Assalamualaikum students, my name is Muhammad Asim Shakeel and I am here to teach you grade 9th mathematics. So welcome to our YouTube channel Online Science Lectures and Literature. So कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत आफियत से होंगे. So start करते हैं students, chapter number 2 real and complex numbers. So students, first number हमारे पास real number. The union of set of rational numbers and irrational numbers is known as the set of real numbers. It is denoted by R. R is equal to Q union Q prime. Means that अगर मैं किसी भी numbers को number line system के लिहाज से देखूँ तो 0, positive 1, positive 2, positive 3, so on, 0, negative 1, negative 2, negative 3, so on. जितने भी मेरे पास numbers हैं number line system के लिहाज से ये हमारे पास कहलाते हैं real numbers. Negative 2, negative 3, negative 4, positive 2, positive 3, positive 4, जितने भी मेरे पास numbers हैं ये भी क्या मेरे पास कहलाएंगे real numbers. तो मैं इसी तरह कह सकता हूँ कि हमारे पास जो set of union of real and irrational number और rational numbers ये हमारे पास जो है ये भी हमारे पास क्या कहलाएंगे रियल नंबर्स. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर है हमारे पास नेचुरल नंबर. द नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स. मींस दैट इसमें जो हमारे पास नंबर की कैटेगरी होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और राइट साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है. तो ये हमारे पास जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं. ये पॉजिटिव होते हैं और इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन के साथ. कैपिटल एन जो इसका सिंबल है इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स. एन इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन. दैट आर पॉजिटिव नंबर्स, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. If we include 0 in the set of natural numbers, the resulting set is the set of whole numbers. मीन्स दैट अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर दें तो वो जो नंबर हमारे पास सेट बनेंगे उसको हम कहेंगे होल नंबर्स. याद रखना है आपने स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर इज स्टार्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज 1 एंड होल नंबर इज स्टार्ट 0. तो नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें तो ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव नंबर्स जितने हमारे पास होंगे इन्फिनिटी तक वो किस केस में कहलाएंगे होल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 एंड होल नंबर स्टार्ट 0. तो इट इज़ डिनोटेड बाय W. W इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. ये हमारे पास नंबर होल नंबर कहलाते हैं. So students, set of integers consist of positive integers 0 and negative integers is called integers. It is denoted by Z and Z is equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 so on. Means that integer जो हमारे पास होंगे वो is equal to whole number होते हैं. हमारे पास होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. 0 +-1 +-2 +-3 +-4 सो मान बस इन्फिनिटी केस तक जाते हैं. तो इस तरह के नंबर जो होते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव केस में भी हों और नेगेटिव केस में भी हों वो हमारे पास क्या कहलाते हैं इंटीजर्स. सो एनी होल नंबर विच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स. सो ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स की कैटेगरी ये होती है कि ये हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं और ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं. ज़ीरो से राइट साइड की तरफ पॉजिटिव, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड की तरफ नेगेटिव. तो अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो रेडिकल साइन जो हमारे पास होती है मीन्स दैट स्क्वायर रूट फॉर्म, अंडर रूट फॉर्म, दैट इज़ नॉट इक्वल टू इंटीजर. इसी तरह डेसिमल फ्रैक्शन में जो हमारे पास आंसर होते हैं पॉइंट वाले वो दैट इज़ नॉट इक्वल टू इंटीजर. और इसी तरह अगर हम फ्रैक्शन वाले पार्ट देखें मतलब 2/3 जिस तरह रैशनल नंबर में हमने पढ़ा था p/q, वो p/q वाले जो फॉर्म होगी वो दैट इज़ नॉट आल्सो इक्वल टू इंटीजर. तो इंटीजर में जो हमारे पास होता है वो सेम और सेम होल नंबर होते हैं मतलब 0, +-1, +-2, +-3 इस तरह के जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं. सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास रैशनल नंबर्स. ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स and Q does not belongs to 0. That is called rational numbers. Means that अगर मैं बात करूँ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, इसमें हमारे पास P और Q इंटीजर्स होंगे कोई ना कोई। डिनोमिनेटर में Q हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज़ीरो Q हो गया तो आंसर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा, वो कभी भी हमारे पास रैशनल नंबर नहीं हो सकता। सो इसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं रैशनल नंबर्स। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय Q। Q इसका सिंबल है, इसको हम ज़ाहिर करते हैं रैशनल नंबर के लिहाज से। Q इज़ इक्वल टू P बाई Q सच दैट P and Q belongs to integers where Q does not belong to 0. वही बात, हमारे पास P by Q फॉर्म में ये रैशनल नंबर होंगे, P और Q हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर होगा, जबकि Q हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकता किसी भी हालत में, ना रैशनल नंबर में और ना इरेशनल नंबर में। सो एग्जाम्पल्स हैं इसकी रैशनल नंबर्स की 2/3, 4/5, 7/11, 9/12। ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास P बाई Q फॉर्म में, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? रैशनल नंबर्स की। तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपने कि ज़ीरो P इंटीजर, अगर इंटीजर के लिहाज से देखें तो P इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है। क्यों कि अगर हम 0/1 करें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो इज़ आल्सो कॉल्ड अ रैशनल नंबर्स। Q ज़ीरो नहीं हो सकता, P ज़ीरो हो सकता है, तो ये आपने याद रखना है कि ज़ीरो Q नहीं हो सकता, P हो सकता है, इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। So all of the form which are in the form of P by Q, where P and Q belongs to integers and Q does not belong to 0, that is called rational numbers. So next है students हमारे पास irrational numbers. Irrational numbers की definition ये है, the numbers which cannot be expressed as quotient of integers are called irrational numbers. The set of irrational numbers is denoted by Q prime. मतलब इसका ये होगा कि हमारे पास रैशनल नंबर में मैंने आपको बताया था कि उसको P by Q फॉर्म में डिनोट करेंगे, और उसमें जो P और Q होगा वो बिलोंग्स करेगा किसी न किसी इंटीजर के साथ, और उसकी एक शर्त और ये थी कि Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब उसका आंसर फिर इन्फिनिटी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस इरेशनल नंबर में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है हमारे पास कि Q प्राइम इज़ इक्वल टू x बिलोंग्स टू, मतलब x सच दैट x डज नॉट P बाई Q। मतलब इरेशनल नंबर में हमारे पास जो भी एग्जांपल होगी वो P बाई Q फॉर्म में नहीं होगी। एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम 2 की बात करें, 3 की बात करें, 5 की बात करें, 7 की बात करें, तो ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ये सब की सब इरेशनल नंबर केस में आती हैं। तो 4 जो होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 जो है हमारे पास इज़ इक्वल टू +(-2) आंसर देता है, तो +(-2) आंसर जो है हमारे पास ये रैशनल नंबर में काउंट किया जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थी इरेशनल नंबर्स की, और इसमें P और Q जो है हमारे पास वो बिलोंग करेंगे किसी न किसी इंटीजर्स के साथ, ठीक है जी, और Q डज नॉट बिलोंग्स टू ज़ीरो, मतलब इसमें भी Q हमारे पास ज़ीरो नहीं होता। तो इस सेट को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। The decimal fraction in which there are finite number of digits in its decimal part is called a terminating decimal fraction. Means that example अगर हम देखें तो 2.4 है हमारे पास, आंसर इसका है 0.4, तो decimal part के साथ finite number जो हमारे पास 4 है, मतलब countable है, आंसर complete हो गया, तो इसको हम कहते हैं कि terminating decimal fraction, मतलब आंसर ख़त्म हो गया, कंटिन्यू नहीं है। तो इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 3/8, तो इसका आंसर हमारे पास है 0.375, मतलब डेसिमल पार्ट के अलावा 375 फाइनाइट नंबर है, काउंटेबल भी है, तो मतलब कंटिन्यूसली नहीं चल रहा आंसर, तो ये इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इसको कहते हैं हम जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, किसके लिहाज से? उसके डेसिमल पार्ट के लिहाज से, इसको हम बोलते हैं The decimal fraction in which there are finite number of digits in its decimal part is called a terminating decimal fraction. So next is student non-terminating decimal fraction. The decimal fraction in which there are infinite number of digits in its decimal part is called a non-terminating decimal fraction. Means that ऐसी decimal fraction जिसके decimal part में number of digits count ना हो, means that infinite means हम उन digits को count नहीं कर सकते. मीन्स दैट अगर हम ऐसी फ्रैक्शन को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा. तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो होती हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी. सो नेक्स्ट स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर in its decimal part is called a recurring decimal fraction. Student recurring decimal fraction के लिए ज़रूरी है कि fraction non terminating decimal fraction हो. Means that recurring decimal fraction जो हमारे पास होगी उसके decimal part के साथ जितने भी number of digits होंगे वो infinite तो होंगे. मीन्स दैट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में हमारे पास जो डेसिमल पार्ट के साथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे वो सेम होंगे और उनका ऑर्डर जो होगा वो भी सेम होगा, मतलब सेम ऑर्डर के साथ रिपीट होते जाएंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास 2/9 है तो इज़ इक्वल टू आंसर इसका हमारे पास है 0.222 एंड सो ऑन. तो इसका ऑर्डर भी 2 है और ये कंटिन्यूसली स्टार्ट है इसका आंसर. तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है. तो नेक्स्ट है हमारे पास 4/11, इसका आंसर है 0.363636 सो ऑन. तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास सेम होगा 36, मतलब इसका आंसर भी इनफाइनाइट होगा. तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की. सो फर्स्ट एग्जांपल थी हमारे पास 2/9, इसका आंसर 0.222 एंड सो ऑन. एंड नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 4/11, इसका आंसर 0.363636 एंड सो ऑन. तो पहले में ऑर्डर हमारे पास सेम आ रहा है 2 और सेकंड एग्जांपल में हमारे पास ऑर्डर 363636 यानी कि 2 2 2 इस तरह ऑर्डर आ रहे हैं. तो ऐसी जो डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं जो अपने आप को रिपीट करवाती हैं डेसिमल पार्ट के साथ आंसर अपना, इनको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट जो रिपीट हो रहते हैं हमारे पास अगेन एंड अगेन, इसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन.